नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले टीआरडी को, पूरी टीम को शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ दोबारा आने का मौका दिया। तो मैं शुरू करता हूँ कि मैं आया कहाँ से हूँ। कि आपको याद होगा मैं पिछली दफ़ा आया था, आपको याद होगा मैं पिछली दफ़ा आया, मैंने शेर पढ़े और आपने तालियां भी बजाई थी। आपको याद होगा मैं पिछली दफ़ा आया, मैंने शेर पढ़े और आपने तालियां भी बजाई थी। हाँ, मैं उसी झांसी की मिट्टी का पूत हूँ जहाँ से हमारी देश की रानी लक्ष्मीबाई थी। देखिए, मोहब्बत से ही शुरू करूंगा और मोहब्बत की खूबसूरती पर दिखाता हूँ आपको कि तूने मेहंदी के साथ ये काजल ना लगाया होता तो अच्छा होता। तूने मेहंदी के साथ ये काजल ना लगाया होता तो अच्छा होता, और अपनी बहकती निगाहों से किसी को अपना ना बनाया होता तो अच्छा होता। और वैसे तो लैला मजनू हीर रांझा जैसे कई दौर आए इस जमाने में, वैसे तो लैला मजनू हीर रांझा जैसे कई दौर आए इस जमाने में, पर तेरी इस खूबसूरती का दौर ना आया होता तो अच्छा होता। अनुपम भाई, गौर करिएगा आप ही के अंदाज में कि बात उनसे बने हुए बिन बिगड़ गई, अब बताओ क्या करें। बात उनसे बने हुए बिन बिगड़ गई, अब बताओ क्या करें, और सोचकर उनको ही कई रातें गुजर गईं, अब बताओ क्या करें। बात उनसे बने हुए बिन बिगड़ गई, अब बताओ क्या करें, और सोचकर उनको ही कई रातें गुजर गईं, अब बताओ क्या करें। और कांधे कई और भी थे उनके पास अपने आंसू गिराने को, कांधे कई और भी थे उनके पास अपने आंसू गिराने को, पर रोते रोते वो मेरे ही सीने से लिपट गई, अब बताओ क्या करें। और दीवाने थे कभी हम भी उनके, और तरसते थे उन्हें अपना बनाने को, और दीवाने थे कभी हम भी उनके, और तरसते थे उन्हें अपना बनाने को, आकर मेरी बाहों में खुद कली की तरह सिमट गई, अब बताओ क्या करें। अच्छा, यहाँ पर चाय किस किस को पसंद है? चाय और कॉफी, ठीक है। तो मैंने चाय और कॉफी और कंपेरिजन किया है कि जो जनरेशन जो है कॉफी को ज्यादा प्रेफर कर रही है। तो लिखा है मैंने कि कॉफी इश्क है तो चाय प्यार है, कॉफी इश्क है तो चाय प्यार है, कॉफी दोस्त है तो चाय यार है, कॉफी गोरी है तो चाय थोड़ा सांवली है, कॉफी गोरी है तो चाय थोड़ा सांवली है, पर दुनिया गोरे से ज्यादा सांवले पर बावली है, कॉफी मीठी है तो चाय मिठास है, कॉफी मीठी है तो चाय मिठास है, कॉफी उम्मीद है तो चाय एहसास है, कॉफी महंगी है तो चाय थोड़ा सस्ती है, कॉफी महंगी है तो चाय थोड़ा सस्ती है, पर दुनिया महंगे से ज्यादा सस्ते पर बसती है, कॉफी दिन है तो चाय रात है, कॉफी दिन है तो चाय रात है, कॉफी बूंद है तो चाय बरसात है, कॉफी थोड़ा आगे तो चाय थोड़ा पीछे है, कॉफी थोड़ा आगे तो चाय थोड़ा पीछे है, पर चाय आज भी अपनी पहचान से खुद को अपनी ओर खींचे है, कॉफी रंगत है तो चाय सूरत है, कॉफी अच्छी है तो चाय खूबसूरत है, कॉफी शहरी है तो चाय देहाती है, कॉफी शहरी है तो चाय देहाती है, कॉफी दूर करती है और चाय बुलाती है। देखिएगा कि जैसे चाय पत्ती और कॉफी पाउडर की कभी यारी नहीं हो सकती, जैसे चाय पत्ती और कॉफी पाउडर की कभी यारी नहीं हो सकती, उसी तरह मरते दम तक कॉफी चाय पर भारी नहीं हो सकती। देखिएगा कि तू कहती थी कि मुझे तुमसे प्यार है, तू कहती थी मुझे तुमसे प्यार है, तो बताओ उस प्यार का पैगाम क्या है। अगर तूने मुझे जीता था, अगर तूने मुझे जीता था, तो बताओ उस जीत का इनाम क्या है। और लाख कोशिश कर ली मेरे इस कमबख्त दिल ने तुझे भुला देने की, पर लाख कोशिश कर ली मेरे इस कमबख्त दिल ने तुझे भुला देने की, पर जो खाकर तूने मुझे भुलाया, आखिर मुझे भी बताओ उस दवा का नाम क्या है। देखेगा जब ब्रेकअप हो जाता है और फिर भी हमसे प्यार करते हैं तो क्या होता है। कि अगर मिल जाए मुझे साथ तेरा, अगर मिल जाए मुझे साथ तेरा, मेरे हाथों में हाथ तेरा, तो मानो एक कांटों भरा रास्ता भी मुझे हम सफर लगता है। और जब से तू जुदा हुई है ना, मुझे आज भी तेरे शहर से निकलने वाली हर एक बारात से डर लगता है। और यूं तो आशियाना बना लिया था तूने मेरे दिल में, यूं तो आशियाना बना लिया था तूने मेरे इस दिल में, पर तेरे बाद भी ये घर बेघर लगता है। और मुझे आज भी तेरे शहर से निकलने वाली हर एक बारात से डर लगता है। एक पोएम रखता हूँ बस छोटी सी। देखिए, एक मेरी फ्रेंड है, वो आगरा गई हुई थी, तो थोड़ा सा मतलब वन साइडेड लव हुआ था। देखिएगा कि वो वक्त भी कितना हसीन था जब रब ने मुझे तुमसे मिलाया था, वो वक्त भी कितना हसीन था जब रब ने मुझे तुमसे मिलाया था, तुम हमारे हुए और तुमने भी धीरे से हमें अपना बनाया था। तुम्हें देखकर लगा कि तुम मानो कोई खिलते हुए फूल हो, और उसी फूल की तुमने खुशबू से हमें भी महकाया था। पर उन जाड़े की सर्द रातों में भी मानो एक मौसम बहार हो रहा था, शायद मुझे प्यार हो रहा था। तेरा नजरें झुकाकर मुझको यूं देखते रहना,
तेरा नजरें झुकाकर मुझको यूं देखते रहना और मेरे खुश होने पर तेरा भी खुश होते रहना। तो असल में क्या, वो लड़का थोड़ा दढ़ियल था कि तेरा नजरें झुकाकर मुझको यूं देखते रहना, मेरे भी खुश होने पर तेरा खुश होते रहना। और समझ तो मैं भी गई थी कि हाँ, वो दढ़ियल मुझे चाहता है, पर हमने सोचा जाने दो यार, उनसे भी अब क्या कहना। मगर सच कहूं तो तेरी उस एक तरफा मोहब्बत का नशा मुझे भी बेशुमार हो रहा था, शायद मुझे प्यार हो रहा था। अंत में देखिएगा कि आगरा की वो पावन सी धरती भी क्या रंग लाई, आगरा की स्टोरी है कि आगरा की वो पावन सी धरती भी क्या रंग लाई, होती मैं थी मगर दिखती थी बस तेरी ही परछाई। और एहसास तो हम भी तेरी मोहब्बत का लेना चाहते थे, एहसास तो हम भी तेरी मोहब्बत का लेना चाहते थे, तभी तो बिना कुछ सोचे समझे तेरे पास दौड़ी चली आई। पर शाहजहां की उस सरजमी पर, शाहजहां की उस सरजमी पर, इस मुमताज पर भी कोई निशार हो रहा था, शायद मुझे प्यार हो रहा था। धन्यवाद।